राजधानी रायपुर स्थित सीएम निवास में व्याख्याता नियुक्ति पत्र और हायर सेकेंडरी सह आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और उन्होंने शिक्षक भर्ती 2023 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दरअसल विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है, वही हायर सेकेंडरी सह आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र भी यहाँ पर वितरित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई कोर्स शुरू किया गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोग मुख्यमंत्री निवास में आए और यहाँ प्रमाण पत्र वितरण हुआ और इसमें आप सब भागीदार बने। अभी तक के हमारी सरकार ने लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कोरोना काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बार रोजगार हो गए हैं। और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, ये आज आपका संकल्प होना चाहिए। जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, हिंदी स्कूल शुरू की, करीब 750 से अधिक स्कूल संचालित हमने किया और उसमें लगभग 4-4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी माध्यम के, और इसमें ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे, जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं से ही हम लोगों ने आईटीआई का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में दो सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा आईटीआई का। आज रोजगार के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, खासकर जो आईटीआई पास है, और इसीलिए क्योंकि 12वीं का पढ़ने के बाद फिर एक साल आईटीआई उसको ट्रेनिंग करना है तो और समय लगता है। तो इसमें यह है कि आप जैसे 12वीं पास करेंगे आप में एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको ये बताता है कि आप इस फलाना ट्रेड में आप एक्सपर्ट हो गए हैं, और उसके साथ साथ आप जॉब भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नौनिहाल हैं, जितने हमारे नए जो पीढ़ी है, वो उसके हाथ में वो हुनरमंद हो और उसके साथ साथ उसको रोजगार भी मिले। अभी जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं, शहर में भी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआई कर ले, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कर ले, बहुत सारे और डिप्लोमा कोर्स किए हैं, जो परंपरा गुरु से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में जो काम कर रहे हैं, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास सेट नहीं है, उसके पास पानी बिजली और उस प्रकार के वातावरण नहीं है, तो वो सारी चीज हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि जो लोग अपना व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उनको हम अवसर दें। 300 रुपए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, शहरी क्षेत्र में भी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम को हमने हाथ में लिया है ताकि हमारे बच्चे खाली नंबर बैठे रहे, क्योंकि जो आज का दिन जो बीत रहा है वो कल वापस हमको नहीं मिलेगा। तो आज आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए और उसके श्रम के माध्यम से, उसे क्रिएटिविटी के माध्यम से हम लोग इस
समाज के, देश के, प्रदेश के उन्नति में हम लगाएं, परिवार की उन्नति में लगाएं, तो वो जो श्रम दिवस है जो एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो कवायद किया जा रहा है उसी कारण से किया जा रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।